बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, वेलकम टू साइकोलॉजी हब। तो आज हमने करना है सोशल साइकोलॉजी का लेसन नंबर 28। इसमें हम देख रहे हैं इंटरपर्सनल इंटरेक्शन के बारे में। वो क्या कहती हैं? इंटरपर्सनल इंटरेक्शन इज द डिजायर टू अप्रोच एन अदर पर्सन। द अमेरिकन पोएट लूसी ग्रेली इन हर बुक ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फेस रिलेट्स द स्टोरी ऑफ हर चाइल्डहुड एंड यंग एडल्टहुड। अच्छा, यहाँ पे वो बात कर रही हैं कि इस सारे पैराग्राफ में जो लूसी ग्रेली थी, उनको फिशल बोन कैंसर था, जिसकी वजह से उनके जो फेस फीचर्स थे वो नॉर्मल नहीं थे। तो वो इस बुक में, उन्होंने अपनी बुक लिखी ऑटोबायोग्राफी ऑफ अ फेस। तो अपने फेस के बारे में उन्होंने लिखा कि कैसा लगता है आप जब सब लोगों की रिमार्क्स का टारगेट बन जाते हैं, जब सब आप पे रिमार्क्स कर रहे होते हैं, उनके जो साथ पढ़ने वाले थे उन बच्चे, वो उन पे बातें कसते थे और उनके डिसफिगर फेस पे वो लोग बातें करते। तो उन्होंने इस बारे में अपनी जो उनके साथ हुआ और वो सब उन्होंने इस अपनी बुक में बयान किया था। हम देखते हैं, स्टार्ट करते हैं एफिलिएशन नीड क्या होती है। अब यहाँ पे कोई भी इंसान अकेला नहीं रह सकता। जब वो अकेला रहता है तो डिप्रेशन, रिग्रेशन, बहुत सी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं। और यहाँ पे लिखा हुआ है कि अराउंड द वर्ल्ड एंड अक्रॉस एज ग्रुप्स मोस्ट पीपल स्पेंड अबाउट थ्री टू फोर ऑफ देयर टाइम विद अदर्स। हम अपने सारे टाइम का 3/4 जो पार्ट होता है वो हम दूसरों के साथ गुजारते हैं। पीपल वांट नॉट मेरली द प्रेजेंस ऑफ अदर बट क्लोज टाई विद पीपल हु केयर अबाउट दम। अब यहाँ ये बात नहीं है कि लोग सिर्फ दूसरे लोगों के साथ रहना चाहते हैं, वो ऐसे लोगों के साथ रहना चाहते हैं जिनको वो पसंद करते हैं। अब रीजन फॉर अफिलिएशन, किसी भी हमें क्यों दूसरों के साथ रहना है, हम क्यों दूसरों के साथ इंटरेक्ट करना, उनके साथ रहना, और जो लोग हमें हमारी केयर करते हैं उनके साथ स्पेसिफिकली रहना हम क्यों पसंद करते हैं, इसके बारे में टू थ्योरीज हैं, सोशल कंपैरिजन थ्योरी और सोशल एक्सचेंज थ्योरी। सोशल कंपैरिजन थ्योरी क्या कहती है? वन वे टू नो अवर सेल्फ बेटर अंडरस्टैंड अवर प्लेस इन द सोशल एनवायरनमेंट इज टू कंपेयर अवर सेल्फ विद अदर। अच्छा, ये कहती है कि हम अपने आप को जानने के लिए और खुद को इम्प्रूव करने के लिए हम खुद को एनवायरनमेंट और दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करते हैं। ये हम क्यों करते हैं? क्योंकि हमें खुद को एवेल्युएट करना होता है। फिर ये थ्योरी क्या कहती है? सोशल कंपैरिजन इज मोस्ट लाइकली व्हेन वी आर इन द स्टेट ऑफ अनसर्टेनिटी। जब हम बेयकीनी की सूरत हाल में होते हैं, जब हमें खुद पे यकीन नहीं होता, तो हम खुद को दूसरे लोगों के साथ कंपेयर करना स्टार्ट कर देते हैं। जैसे कि अगर एक लड़की है, यानी कि चले अपनी मैं बात करती हूँ कि मुझे कहीं जाना है पार्टी में और मैं तैयार हुई हूँ और मुझे अनसर्टन है कि मैं अच्छी लग रही हूँ या नहीं लग रही हूँ, देन मैं खुद को कंपेयर करूंगी जो मेरी साथ होंगे, जो मेरी क्लास फेलो होगी उसके साथ, कि अच्छा वो ऐसी लग रही है, मैं ऐसी लग रही हूँ। दैट इज अ सोशल कंपैरिजन थ्योरी। वो वी प्रेफर टू कंपेयर अवर सेल्फ विद द सिमिलर अदर। हम खुद को, ऐसा नहीं है कि हम खुद को आउट ऑफ द बॉक्स जाकर कंपेयर करते हैं, हम खुद को उन्हीं लोगों के साथ कंपेयर करते हैं जो कि हमारे जैसे हैं। यूज नॉट ओनली टू जज एंड इम्प्रूव अवर सेल्फ बट ऑल्सो प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट अवर इमोशन एंड इवन टू चूज अवर फ्रेंड। अब थ्योरी ऑफ सोशल एक्सचेंज क्या कहती है? फोकस ऑफ दिस थ्योरी इज ऑन इंटरेक्टिंग बिटवीन पीपल। दिस थ्योरी प्रपोज दैट, अच्छा ये थ्योरी क्या कहती थी कि जितनी भी अफिलिएशन और इंटरपर्सनल अट्रैक्शन होती हैं वो एक्सचेंज के जो थ्योरी एक्सचेंज के प्रोसेस पे चलती हैं, कि हम कोई भी चीज़ वहाँ देते हैं जहाँ हमें पता हो कि जितना हम इनपुट दे रहे हैं हमारी आउटपुट, हमें जो आउटपुट मिलेगी वो ज़्यादा होगी। दिस थ्योरी प्रपोज दैट वी सीक आउट एंड मेंटेन दोज रिलेशनशिप इन विच द रिवॉर्ड एक्सीड द कॉस्ट। अब यहाँ पे जस्ट रिवॉर्ड ये नहीं है कि हम पैसों की बात करें, बल्कि रिवॉर्ड के तौर पर हम अपनी अफेक्शन, हम किसी को कितना इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, हम किसी के साथ कितना अच्छा बर्ताव करें, हम चाहते हैं कि हमें उससे ज़्यादा ही मिले। फॉर एग्जाम्पल टीचर एक्सचेंज इन्फॉर्मेशन फॉर मनी, जैसे कि उन्होंने यहाँ दोनों एग्जाम्पल दिए हैं कि मनी की एक्सचेंज की बात में उन्होंने एग्जाम्पल दिए, जैसे टीचर हमें इन्फॉर्मेशन देता है और उसके बदले में उन्हें पैसे मिलते हैं, जबकि हस्बैंड एंड वाइफ एक्सचेंज वर्क एंड अफेक्शन। जबकि जो एक कपल है वो अपना काम शेयर करता है, मतलब लड़का बाहर जाके काम करता है, पैसे कमा के लाता है घर के लिए, और लड़की घर के सारे काम करती है। तो ये लोग वो अफेक्शन विद ईच अदर वो ये लोग पैसे के लिए नहीं करते, बल्कि वो इसलिए करते हैं कि वो एक दूसरे की केयर कर रहे होते हैं। स्टेट दैट पीपल आर बेसिकली हेडोनिस्ट एंड दे एक्सचेंज रिवॉर्ड फॉर मेंटेनिंग देयर वेल बीइंग। अच्छा, यहाँ बात हो रही है कि लोग जो होते हैं, ऐसा नहीं है कि लोग जस्ट पैसों के लिए करते हैं, बल्कि वो एक दूसरे की केयर करते हैं इसलिए वो
अपनी ड्यूटीज एक्सचेंज करते हैं. अर्लीस्ट वर्जन ऑफ दिस थ्योरी स्टेट दैट जो पहले की इस थ्योरी जो सोशल एक्सचेंज थ्योरी की जो पुरानी वर्जन है वो यही कहती थी कि हम इकोनॉमिक बार्गेनिंग होती है, जितने भी सोशल रिलेशनशिप्स होते हैं इन विच ईच पार्टी प्लेस अ वैल्यू ऑन दी गुड दे एक्सचेंज विद वन अनदर. देन फिर टाइम बीइंग ये कहा गया कि सिर्फ ये नहीं है कि हम किसी रिवॉर्ड और कॉस्ट के लिए, हम रिवॉर्ड थ्योरी पे बेस नहीं करते, हम बहुत से ऐसे भी लोग होते हैं जो ऐसे रिलेशनशिप्स में भी रह लेते हैं जहाँ पे उन्हें आगे से प्रॉपर रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा होता. जैसा कि कुछ माएँ अपने बच्चों के लिए एक ऐसे हस्बैंड के साथ भी कंप्रोमाइज़ करके ज़िंदगी गुजार लेती हैं जो कि उनके साथ अच्छा बर्ताव नहीं करता. अब कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं जो एफिलिएशन डिज़ायर्स को इन्फ्लुएंस करते हैं? सबसे पहले एवोल्यूशनरी हेरिटेज, जैसे ये कहती थी, ये जो फैक्टर है ये कहता है कि जो हमें एफिलिएशन डिज़ायर्स होती हैं वो हमारे अंदर विरासत के तौर पर हमारी जीन्स में होती हैं. The brain and central nervous system activity, then culture, gender and affiliation. सबसे पहले हम देखते हैं our evolutionary heritage क्या कहते हैं. Need to belong is a powerful, fundamental and extremely persuasive motivation. Evolutionary psychologists state that tendency to socialize and make friend is an inherited trait. ये कहते थे कि हमारी जो trait होती है किसी के साथ affiliate करना, दोस्त बनाना, ये हमारे अंदर inheritedly डिवेल्प होती है. पीपल डिफर इन देयर डिजायर फॉर अफिलिएशन. सम आर पीपल पर्सन एंड वाइल सम आर रिस्ट्रिक्टेड रेंज ऑफ सोशल कॉन्टेक्ट. अच्छा, कुछ लोग इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट की यहाँ बात हो रही है कि कुछ लोग बाय बर्थ ही इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट होते हैं, ये उस चीज की बात करें. पीपल वॉन्ट मेयरली द प्रेजेंस ऑफ अदर बट क्लोज आई टू पीपल हु केयर अबाउट दम. लोग चाहते हैं कि एक इंसान चाहता है कि वो लोगों के दरमियान रहे, लेकिन वो उस इंसान के ज्यादा करीब रहना चाहता है जिसके साथ, जो उसकी केयर करता हो, जो इसको वैल्यू करता हो. अनफुलफिलमेंट ऑफ दिस नीड लीड टू अ स्ट्रेस एंड एंग्जायटी. अब अगर इन चीज़ों में ये जो हमारी जरूरत एफिलिएशन नीड में कमी हो, अगर वो कोई पूरी ना हो रही हो, तो फिर स्ट्रेस एंड एंग्जायटी, सेल्फ डिफीटिंग जैसी सोचें आना स्टार्ट हो जाती है. MRI स्टडी हुई थी इसके बारे में, शो दैट द सोशल पेन वो एक्सपीरियंस फॉलोइंग रिजेक्शन इज न्यूरोलॉजिकली सिमिलर टू द अफेक्टिव डिस्ट्रेस एसोसिएटेड विद फिजिकल पेन. यहाँ पे बात कर रहे हैं कि ये बात नहीं है, वो कहते हैं ना कि किसी का दिल नहीं तोड़ना चाहिए, तो ये बात MRI के थ्रू प्रूव भी हो चुकी है कि अगर किसी रिलेशनशिप में आपको रिजेक्शन होती है तो आपका न्यूरोलॉजिकली आपको अफेक्ट करती है वो चीज़ें. और जिस तरह एक फिजिकल पेन, जिस तरह आपको कांटा लगा है तो आपको दर्द हुआ है, इस तरह एक सेंस ऑफ रिजेक्शन या कोई भी इमोशनल पेन भी इसी तरह अफेक्ट करती है. बहुत ओरिजिनेटिंग इन इंटीरियर किंगुलेट अ पार्ट ऑफ अ फ्रंटल, ये ब्रेन का एक पार्ट होता है, फ्रंटल लोब ऑफ अ सेरेब्रल कॉर्टेक्स ऑफ अ ब्रेन टिश्यू, उनको डैमेज करता है. द सोशल अटैचमेंट अलार्म सिस्टम सीम टू बी कनेक्टेड विद इंटीरियर किंगुलेट ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ एवोल्यूशन. नेक्स्ट क्या है, द ब्रेन सेंट्रल नर्वस सिस्टम एक्टिविटी. Individual differences in the need for affiliation have been reported to involve difference in central nervous system arousability and brain activity. Central nervous system arousability क्या होती है? The habitual degree to which stimulation produce arousal of the central nervous system. Symmetrical have inherited in nervous system that operate at higher level of arousal than extrovert. Studies have demonstrated that interior cingulate brain danger and पेन अलार्म सेंटर इज मोर एक्टिव अमॉन्ग इंट्रोवर्ट्स. अब यहाँ पे बात कर रहे हैं जो इंट्रोवर्ट लोग होते हैं, जो खुद के अंदर थोड़ा रहना पसंद करते हैं, उनके अंदर जो ब्रेन का किंगुलेट पार्ट होता है वो ज्यादा एक्टिव होता है एज कम्पेयर टू एक्सट्रोवर्ट, बिकॉज ऑफ विच दे अवॉइड अ ग्रेट डील ऑफ अ सोशल. इसी वजह से सेंस ऑफ अलार्म और पेन को वो ज्यादा करते हैं, इसलिए वो लोगों के साथ इंट्रैक्ट नहीं करते, क्योंकि उन्हें ये होता है कि जब कोई छोड़ जाएगा तो देन पेन होगी, और इसी वजह से वो दूसरे लोगों के साथ ज्यादा इंट्रैक्ट नहीं करते और लोगों से दूर रहना पसंद करते हैं. सोशली एक्टिव एक्सट्रोवर्ट नॉट ओनली चूज टू परफॉर्म टास्क इन नॉइसी सेटिंग, दे एक्चुअली परफॉर्म बेटर देयर. अच्छा, जो एक्सट्रोवर्ट लोग होते हैं जो कि सोशली एक्टिव पर्सन होते हैं, वो नॉइसी सेटिंग्स में जाना, वहाँ टास्क लेना इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो ज्यादा वो प्रेफर करते हैं और वो वहां पे ज्यादा अच्छा परफॉर्म भी कर सकते हैं. ब्रेन एक्टिविटीज की बात करें, एक्सट्रोवर्ट अपीयर टू एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्टिवेशन ऑफ अ डोपामाइन पाथवे इन द ब्रेन एसोसिएटेड विद द रिवॉर्ड एंड पॉजिटिव इफेक्ट ऑन शोइंग पॉजिटिव इमेजेस. एक्सट्रोवर्ट एक्सपीरियंस ग्रेटर एक्टिविटी ऑफ ब्रेन एरिया दैट कंट्रोल इमोशन सच एज फ्रंटल लोब एंड एमिगडाला. ये रिसर्च सजेस्ट दैट एक्सपीरियंस ऑफ पॉजिटिव इफेक्ट मे बी प्राइमरी फीचर ऑफ अ एक्सट्रोवर्जन. Each of us has a nervous system that causes us to have varying degree of tolerance of stimulation
फॉर सोशल इंट्रैक्शन विच मे इन्फ्लुएंस द इमोशन वी एक्सपीरियंस इन सच सेटिंग्स. इट इज दिस बायोलॉजिकल डिफरेंसेज दैट सिग्निफिकली शेप अवर एफिलिएशन डिजायर्स. कल्चर एंड जेंडर एफिलिएशन क्या है? एफिलिएशन नीड आर ऑल्सो शेप्ड बाई कल्चर वेरिएबल्स. इट हैज बीन डिमॉन्स्ट्रेटेड थ्रू रिसर्च दैट पीपल रिजाइडिंग इन इंडिविजुअलिस्टिक कल्चर हैव ग्रेटर एफिलिएशन नीड एज पीपल हैव टू इंडिविजुअली डिवेल्प देयर ओन रिलेशनशिप ओवर देयर. दे ऑल्सो हैव टू एस्टैब्लिश दीज रिलेशनशिप इन मैनी वेरिड सोशल सेटिंग्स. However, these relationship may be numerous but not be particular. मैं यहाँ बस रीडिंग में कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पे कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है. यहाँ पे तो एक दो फाइंडिंग जिनमें से MCQs बन के आती हैं दैट वुमेन हैव ग्रेटर टेंडेंसी टू फाइंड themselves इन टर्म ऑफ देयर क्लोज रिलेशनशिप. दिस इज द रीजन दे रिमेंबर बर्थडेज एंड एनिवर्सरीज मोर एक्यूरेटली. वुमन आर जनरली नोन एज अ रिलेशनशिप पीपल बिकॉज ऑफ दीज ट्रेट्स. अच्छा, वुमन जो होती हैं वो रिलेशनशिप में बेस्ट होती हैं, यहाँ पे ये बात कह रहे हैं. आगे चलते हैं. करेक्टरिस्टिक ऑफ द सिचुएशन एंड अट्रैक्शन. थ्री करेक्टरिस्टिक हैं. सबसे पहले प्रॉक्सिमिटी. प्रॉक्सिमिटी क्या होती है कि क्लोज जो प्रॉक्सिमिटी होती है वो लाइकिंग को बढ़ाती है. उसके बाद फेमिलैरिटी, किसी चीज़ के साथ आप कितना फेमिलर हैं. और उसके बाद इन एंग्जाइटी क्या रोल प्ले करती है इन सेंस ऑफ इन टर्म ऑफ अट्रैक्शन. क्लोज प्रॉक्सिमिटी फॉस्टर्स लाइकिंग. द बेस्ट सिंगल प्रिडिक्ट of whether two people will be friend is how far apart they live. अच्छा, यहाँ पे वो ये इस पूरे पैराग्राफ में यही बात कर रहे हैं कि किसी भी रिलेशनशिप को हम ऐसे देख सकते हैं कि कोई लोग एक दूसरे के कितने करीब हैं वो इस बात से अंदाजा लगा जा सकता है कि वो कितने दूर रहते हैं. अगर वो एक ही कंट्री में एक ही सिटी में रहती हैं तो उनका मिलना जुलना ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से उनकी जो फ्रेंडशिप होगी वो ज्यादा होगी. देयर इज एविडेंस दैट प्रॉक्सिमिटी कैन अफेक्ट इंटीमेट रिलेशनशिप इन एन अर्ली सोशियोलॉजिकल स्टडीज. जेम्स वोसर्ट प्लॉटेड द रेजिडेंस ऑफ ईच एप्लीकेशन ऑन 5,000 मैरिज लाइसेंसेस इन फिलाडेल्फिया एंड फाउंड अ क्लियर रिलेशन बिटवीन प्रॉक्सिमिटी एंड लव. कपल्स वर मोर लाइकली टू गेट मैरिड द क्लोजर दे लिव टू ईच अदर. इन अदर स्टडीज स्टिंगर स्केचेड एंड ब्लैक फाउंड दैट द क्लोजर पीपल लिव द मोर फ्रेंडली दे बिकम विद ईच अदर. The investigation of the development of friendship and marriage graduated student housing at the MIT in USA after World War II. These couple were randomly assigned to 17 different buildings. The couple were asked to name their three closest friends in the housing unit. The result showed that two-third of couple friends remained in the same building or about. अच्छा, यहाँ पे एक रिसर्च की भी है कि उसके बाद एक एक्सपेरिमेंट किया गया था. 17 कपल्स को एक बिल्डिंग में अलग अलग अपार्टमेंट में भेज दिया गया था. फिर उनसे पूछा गया था कि आपको अपने कौन कौन से क्लोज फ्रेंड्स के नाम याद हैं. इबो एबोसन एंड हिज कॉलेजियस फाउंड दैट रेजिडेंट्स इन द कैलिफोर्निया एंड कंडोमिनियम कम्प्लेक्स नॉट ओनली एस्टैब्लिश मोस्ट ऑफ देयर रिलेशनशिप विद पीपल हु लिव्ड इन द सेम हाउसिंग यूनिट बट आल्सो डेवलप्ड मोस्ट ऑफ देयर एनिमीज क्लोज बाय एज वेल. यहाँ पे पूरे पैराग्राफ में यही बात हो रही है कि आप जितना क्लोज रहते हैं आपका जो रिलेशन है अगर वो दोस्ती का है, फ्रेंडशिप का है, लव का है, वो इतना ही डीपर होता जाएगा. एबसन एक्सप्लेन दैट अफेक्ट बाय स्टेटिंग दैट दोज हु लिव क्लोजर टू यू आर बेटर एबल देन दोज लिविंग फर्दर अवे टू स्पॉइल योर हैप्पीनेस एंड पीस ऑफ माइंड. यहाँ पे वो कह रहे हैं कि एबसन कहते हैं कि जो हमारे ज्यादा क्लोज होते हैं वो ज्यादा रोल प्ले करते हैं हमारे मूड को स्पाइल करने में या अगर हम खुश हैं तो उसको बरकरार रखने में. फिमिलैरिटी ब्रीड लाइकिंग. यहाँ कहते हैं कि अनदर इंपॉर्टेंट सिचुएशन फैक्टर डिटरमाइंड अट्रैक्शन इज फिमिलैरिटी द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्चुअल कॉन्टैक्ट विद इंडिविजुअल. यहाँ पे एक एग्जाम्पल उन्होंने दी हुई है. पार्टिसिपेंट वर शोन अ फोटो टू अ डिफरेंट फेसेस. द नंबर ऑफ ईच टाइम ईच फेसेस वॉज सीन वॉज वेरीड. द मोर पीपल सा अ फेस द मोर दे लाइक इट. अच्छा, यहाँ बात कर रहे हैं कि हम जितना किसी इंसान के साथ फेमिलियर हो जाते हैं हम उसे जानना स्टार्ट कर देते हैं वो हमें इतना ज्यादा पसंद आना स्टार्ट हो जाता है. अगे डज अफिलियेशन डिजायर इंक्रीज विद इन एग्जाइटी. इन द लेट 1950s स्टैनली स्ट्रेचर अटेम्प्ट टू आंसर दिस क्वेश्चन बाय बर्गेनिंग फीमेल कॉलेज स्टूडेंट इन टू द लेबोरेटरी एंड क्रिएटिंग स्ट्रेसफुल इवेंट्स. यहाँ पे एक एक्सपेरिमेंट दिया गया था कि जो स्टैनली स्टेंचर है उन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कि वुमन यूनिवर्सिटी में वो गए थे एक कॉलेज में. तो वहाँ उन्होंने वुमन्स को कहा था कि आपको शॉक लगाया जाएगा, हमने एक एक्सपेरिमेंट करना है तो आपको शॉक लगाया जाएगा. जो हाई एंग्जाइटी कंडीशन है वहाँ पर वुमन्स को बताया गया था, उस कंडीशन में बताया गया था कि आपको जो पेन जो आपको इलेक्ट्रोशॉक लगेगा वो पेनफुल होगा. और जो लो एंग्जाइटी कंडीशन है वहाँ बताया गया था इतना पेनफुल नहीं होगा, इतना पेनफुल नहीं होगा, थोड़ी सी आपको तकलीफ होगी. और असल में शॉक लगाया ही नहीं जाना था, ये जस्ट ये था कि
एक इन एग्जाइटी सिचुएशन में लोग कैसा बिहेव करते हैं. उसके बाद वुमन्स को कहा गया था कि आपके पास 10 मिनट हैं कि आप कहीं भी, हम इक्विपमेंट सेट कर रहे हैं शॉक के लिए, आपके पास 10 मिनट है, आप कहीं भी वो स्पेंड कर सकती हैं. तो उसके रिजल्ट्स क्या, कौन कौन से रिजल्ट शोड दैट दी हाईली एग्जाइटी पीपल वॉन्टेड टू स्टे विद अदर्स वाइल वेटिंग. Even when people were not allowed to talk with each other, even though those presence was preferred. Perhaps others serve as a social distraction to anxious individuals, temporarily taking their mind off their anxiety. अच्छा, जो ज़्यादा परेशान होते हैं वो लोग दूसरे लोगों के साथ रहना पसंद करते हैं ताकि वो अपनी एग्जाइटी को थोड़ा सा कम कर सकें. होप सो आपको ये इंटरपर्सनल अट्रैक्शन समझ आ गई हो. अगले लेक्चर में मुलाकात होती है. टिल देन, अल्लाह हाफिज़.